अच्छा ओके टेंशन एवरीबॉडी। सो बेसिकली एक हफ्ते बाद आप सबके एग्जाम्स हैं और आप सभी को अपने पेरेंट्स को लेकर आना है कल पीटीएम में, रूम नंबर 36। और तुम अंकुश? यस मैम। तुम अपने पेरेंट्स को मुझसे मिलाने के लिए लेके आओगे इसी रूम में। ओके मैम। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आए तो तुम एग्जाम में नहीं बैठोगे। ओके मैम। ऑलराइट क्लास। हेलो। हाँ भाई, किसको लेके जाएगा फिर आज? आंटी या अंकल को? अरे पापा की पता होना तुझे, पापा स्कूल में आ गए ना खालू देड़ देंगे मेरी। अबे तो आंटी को ले जाना। अरे मम्मी पूरी नारद मुनि है यार, उन्हें कुछ भी बता दो जब ही नारायण नारायण करती हुई पहुंचेगी पापा की दौरे। अबे तो किसी को किराए पे ले जाना बाबा। अच्छा फूल मंडी में मिलेगा मुर्गा मंडी में? बकवाद मत करे, मैं बता रहा हूँ। अच्छा भाई गुस्सा मत हो, क्या करेगा फिर हम? भाई मैं तो सीधा जा रहा हूँ, और या तो आज ही मम्मी पापा का एक्सीडेंट करवाना पड़ेगा, और नहीं तो मैं तो सीधे जाती मैडम के पैरों में लौट जाऊंगा, बात खत्म, जो होगा देखी जाएगी बस अब। अच्छा तू जा, मैं कोशिश करता हूँ, अगर मेरे को कोई मिलता है तो मैं भेजता हूँ, ठीक है? चल ठीक है, बता दियो। चलो ओके भाई। ठीक है भाई। ए भाई 50 रुपए देना। अलग हट, चल। ए भाई 50 रुपए देना, दारू खत्म हो गई। अटैक मारू साले में। भाई 50 रुपए दे, वो तो को 50 लाख दे दे। तेरी? एक मिनट, दारू चाहिए? है पौवा। अरे पौवा ना पूरी बोतल मिलेगी, बस एक छोटा सा काम कर दे मेरा। बोतल? भाई बोतल के लिए तेरा भाई सीने पे गोली खाएगा सीने पे। अरे सीना है भी कहीं, वो गातल है पहले, सीने पे गोली ना खानी, बस एक छोटा सा काम है। दारू तो अच्छी मिलेगी भाई। अरे काला कुत्ता मिलेगा, कुत्ता। काला कुत्ता? अबे ब्लैक डॉग कह रहा हूँ, ब्लैक डॉग बेहतरीन दारू है, तू बस काम के लिए आता। ठीक है ठीक है, चल। मॉर्निंग मैम। तुम अकेले आए हो? पापा कहाँ हैं तुम्हारे? आए ना मैडम जी, आए। पापा जी अंदर आओ। ये रहे मैडम जी पापा। सलाम मैम साहब। ये पापा हैं तुम्हारे? अब तो जो भी है जैसे भी है यही है मैडम जी। आइए ना सर, बैठिए प्लीज, आइए बैठो ना, बैठो। यस मैम। क्या कर रहे हो पापा जी, ऊपर बैठो ना, ऊपर बैठो। यस मैम। पापा पानी लेंगे आप? नहीं नहीं जी, मैं तो नीट पीता हूँ जी। हा? अच्छा सोडा मंगवा लीजिए। क्या पापा, बहुत ही मजाकिया है मैडम जी। मजाक मत करो पापा जी, मजाक मत करो। अच्छा वो दरअसल सर बात ये है ना कि आपका बेटा बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, और इसका नाम काटो इसका। क्या बोल रहे हैं सर आप? अजी मैं बोल रहा हूँ ना, इसका नाम काटो साले का। नमस्ते मैम। हाँ जी, मैं अंकुश की मम्मी। अंकुश की मम्मी? पर अंकुश के पापा तो। अच्छा तू जा, मैं कोशिश करता हूँ, अगर मेरे को कोई मिलता है तो मैं भेजता हूँ, ठीक है? जी अंकुश के पापा को गुजरे हुए तो बहुत साल हो गए। गुजरे हुए? तो फिर ये कौन है? अब मैम वो अब मेरे पहले पापा जब गुजर गए ना, उसके बाद मेरी मम्मी ने इनसे शादी करी, ये मेरा दूसरा बाप, मेरा मतलब है दूसरे पापा है। ओ अच्छा, दूसरा भी बेहतरीन चुना है। अब एक सेकंड। हाँ ए हल्का, किस नशेड़ी को मेरा पति बना के ला रहे तू? अरे मैं कहूँ तेरा पति बना के लाया हूँ, मैं तो अपना बाप बना के लाया हूँ, तू है कौन? ए तेरी औकात कैसे हुई नशेड़ी बोलने की जाहिल औरत। मैडम सुनिए, ये मेरी कोई पत्नी वत्नी नहीं है। हाँ तो तू कौन सा मेरा पति है रे बेवड़े, एक हाथ मारेगी ना इधर ही गिर जाएगा। ए मैं जा रही है। ए रुक, जाति का है रे कमीनी औरत। कमीनी किसको बोला रे, हरामी की औलाद? हाँ हाँ नहीं, आप दोनों मेरे मम्मी पापा, जाओ आप यहाँ से जाओ। ए मेरे पैसे दे रहे? ये मेरा काला कुत्ता दे। काला कुत्ता? हाँ हूँ मैं काला कुत्ता। अरे कहाँ से लाऊं पैसे, घर में खाने को आटा तो है नहीं, पैसे कहाँ से दूं? जाओ आप यहाँ से जाओ। चुपचाप निकलो, 10 मिनट में आ रहा हूँ, बाहर पैसे दे रहा हूँ, चलो चलो चलो। मैं आप ही बताओ, ऐसे माहौल में कौन सा बच्चा पढ़ पाएगा? हाँ ये दोनों घर में भी ऐसे ही लड़ते रहते हैं, आप ना आप मेरा नाम काट दो बस बात खत्म। अरे बेटा देखो तुम रो मत, चुप हो जाओ,
तुम अकेले नहीं हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। Yes? राम राम जी, मैं अंकुश का पापा। अंकुश के पापा? यार तूने बताया क्यों नहीं कि आज पीटीएम में? मुझे पड़ोसी से पता लग रहा। एक सेकंड, ये तुम्हारे कौन से पापा हैं? हाँ, तुम्हारी मम्मी तो कह रही थी कि तुम्हारे पापा मर चुके हैं। मर चुका था? मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ, क्या बात कर रहे हो आप? पर अंकुश की मम्मी तो कह रही थी कि उनकी पहली शादी के बाद, उसके पापा की डेथ के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और उसके दूसरे पापा के साथ ही वो आई थी। तो आप कौन से पापा हैं इसके? पहला पति मरने के बाद दूसरे पति के साथ? इसकी मम्मी का एक ही पति है, वो हूँ मैं। तो पहला मरा कद और दूसरा आया कद, बताता क्यों नहीं तूने? मैं क्या बताऊँ, मेरा मतलब है कुछ सोचता हूँ, सॉरी कुछ बताता हूँ। एक मिनट पापा जी, प्लीज मैम, प्लीज मैम, थैंक यू। और मैम दरअसल ये ना, और ये मेरे पापा नहीं है, फिर ये मेरे चाचा है। इनका ना मेरी उम्र का ही एक लड़का था, उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तब से मुझे अपना बेटा समझने लग गए। इनके दिमाग पर कुछ ऐसा असर हो गया कि अब इन्हें मैं ही अपना बेटा लगता हूँ। अच्छा? हाँ मैम। और ये तो कुछ भी नहीं है, ये कभी हंसने लग जाते हैं, कभी नाचने लग जाते हैं। पिछले हफ्ते इन्होंने मेरे छोटे भाई की पीटीएम में ना उनके टीचर के पेट में चाकू मार दिया था। क्या? इनकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है मैम। मैं बता रहा हूँ, आप इनसे ज़्यादा कुछ मत पूछना, वरना आपकी भी जान को खतरा है और मेरी भी जान को खतरा है। ठीक है, आप बस एक काम करो, इनको ज़्यादा से ज़्यादा घूरते रहो। इनका बच्चे जैसा दिमाग है, उससे क्या होगा, इनको डर लगेगा और ये धीरे धीरे अपने आप चले जाएंगे। बाकी मैं इन्हें कुछ समझाता हूँ। अरे खुसर फुसर क्या कर रहे हो, तेज आवाज में बोल। कुछ नहीं जी, मैं तो बस यही कह रहा था कि मैम यही है मेरे डैड। डैड? डैड ना, बाबू मैं तेरा बाप, समझो। और ये तेरी मैडम घूर क्यों रही है इतना मुझे? मैं बता रहा हूँ पापा जी, आप एक मिनट यहाँ आइए प्लीज। अरे जो है यहीं पे बोल। एक मिनट पापा जी, बस एक मिनट प्लीज। यू जो मैडम है ना, याके दिमाग में दिक्कत है कुछ। क्या? और का, याके ना 2 साल पहले पापा गुजर गए। जब सुया पापा शब्द सुनते इतनी नफरत हो जावे ना, यही मारे तो मैं तुम्हें डैड बता रहा हूँ, यू अपना आपा खो देवे पापा सुनते ही। ओहो, कोई खतरे वाली बात तो ना है ना बेटा? खतरे वाली बात? अभी तुम से पहले आए ना, बाकी गुद्दी पर बुड़का भर लिया है ना, खून निकाल दिया खून। अजी हाँ। और का मैं झूठ बोल रहा हूँ, सुनो, यासु बचने को बस एक ही तरीका, हंसते हंसते डांस करते करते चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो मैं जॉन्सु भी मार सके, मैं बता रहा हूँ पापा। है डांस क्यों? अरे डांस इसलिए, डॉक्टर ने कही है कि इन्हें खुश रखो, हंसते मुस्कुराते रहो, इनके सामने नाचते गाते रहो, वासु इनका गुस्सा शांत हो जाएगा। ठीक है, तो हम इनके सामने बस हंसते हंसते डांस करते करते लिकड़ने की कोशिश करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है जी? ठीक है, चलो। हंसना चालू हो गया अब, इससे पहले कि चाकू मारे तेज घूर प्रेरणा। बहुत तेज घूर रही है ये तो, इससे पहले कि तेरी भी गुद्दी पे खा जा, डांस करता हुआ लेकर। ओह गॉड, अंकुश कैसे रहते हो तुम इनके साथ एक घर में? आ ये इलाज क्यों नहीं कराते हो तुम इनका? मैम पैसा कहाँ, पापा शराबी है, चाचा पागल है, मम्मी सबसे लड़ती रह रहा है, और डॉक्टर ने 10,000 रुपया कहे हैं, 10,000 रुपया, वो भी 3 महीने की दवाई के कोर्स के, बताओ कहाँ से लाऊं इतना पैसा? अच्छा अच्छा, तुम एक काम करो, तुम ये 10,000 रुपये रखो, अपने चाचा जी का इलाज कराओ, और रिजल्ट की चिंता मत करना, मैं तुम्हें पास कर दूंगी। हाँ, और सुनो ये आइंदा से ध्यान रखना कि स्कूल ना आए। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, आप बहुत अच्छे हो मैम, थैंक यू सो मच। इट्स ओके, जाओ मैम, थैंक यू। हाँ जाओ।